प्राचीन शहर वाराणसी में सोने का अमुलेट सिर्फ दिव्य रहस्यों का खुला सिर्फ कुंजी नहीं था। इसका विशेषता था कि यह तत्वों को नियंत्रित करने की क्षमता रखता था। जब यह एक शक्तिशाली मानसून के दौरान गायब हो गया तो शहर में आतंक मच गया। देवेंद्र, एक प्रमुख पुरोहित जिसके पीछे एक गुप्त गुजरे का राज था, ने इसे खोजने का व्रत लिया। उसकी यात्रा उसे भूतों भरे जंगलों और विशाल नदियों के पार ले गई, जहां उसने रहस्यमय संतों और चालाक ठगों से मुकाबला किया। सरस्वती देवी के सपनों और पहेली से निर्देशों के माध्यम से मार्गदर्शित होते हुए देवेंद्र हिमालय में चले गए, जहां उन्होंने एक भयानक राक्षस से अमुलेट के मालिकाने का दावा सुना। राक्षस अनंत शक्ति की इच्छा से प्रेरित होकर देवेंद्र को चुनौती दी, जिससे हिमालय के दर्रे हिल गए। बुद्धिमानी और प्राचीन ज्ञान से सजीव रहते हुए देवेंद्र ने राक्षस को मात दे दी और अमुलेट को फिर से प्राप्त किया। वाराणसी वापस लौटते समय देवेंद्र ने उत्साहित उत्सवों के बीच अमुलेट को पुनः स्थापित किया। शहर ने उसे एक योद्धा के रूप में स्वागत किया, लेकिन उसके गुप्त पीछे और अमुलेट की वास्तविक स्वभाव की अफवाहें अब भी उसकी जुबान पर थीं। देवेंद्र के लिए यह अनुभव न केवल विश्वास और संकल्प की शक्ति को प्रकट करता है, बल्कि वे प्रकाश की सबसे उज्ज्वल कहानियों के पीछे छिपी छायाएं भी जानते हैं।